दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं 30 फीट बाई 40 फीट का ये हाउस प्लान है। दोस्तों इसमें आपको एक मास्टर बेडरूम देखने को मिलेगा, एक बेडरूम, किचन, हॉल, ओटीएस, टॉयलेट, गेस्ट रूम, पूजा रूम और आपको स्टेयर केस का सेटअप देखने को मिल जाता है और फ्रंट में आपको यहाँ पे कार पार्किंग का भी सेटअप देखने को मिल जाता है। तो चलिए वन बाई वन करके सारा डिटेल हम आपको समझा देते हैं। तो सबसे पहले हम कॉलम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। कॉलम की जो हाइट रहेगी वो आपको 10 फीट देखने को मिल जाती है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको सारा कॉलम क्रिएट कर लेना है। दोस्तों कभी भी आप घर का काम शुरू करें तो सबसे पहले कॉलम का ही काम करें। इससे बेनिफिट क्या होता है, जो आपका घर की जो मजबूती होती है वो काफ़ी अच्छा रहती है, क्योंकि जो भी लोड रहेगा वो कॉलम के रास्ते ज़मीन तक ट्रांसफर हो जाता है इजीली। ठीक है, तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको ये सारा कॉलम आपको क्रिएट हो गया। ठीक है, अभी चलिए जो आउटर वाल है उसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं और सारा डिटेल आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको ये साइड का ये जो आउटर वाल है उस इस तरीके से बना लेना है। कभी भी दोस्तों घर का जो बाहरी दीवार है, अगर आपका घर के साइड में घर नहीं बना हुआ है तो आप वहाँ पे 9 इंच का ही दीवार क्रिएट करें। उससे आपको दो फायदा है, एक तो पहला सेफ्टी पर्पज़ से अच्छा रहेगा, दूसरा आपका जो इंटीरियर वर्क आपने कराया होगा वो भी ख़राब नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका जो सारा दीवार है वो आउटर का वो क्रिएट हो गया। ठीक है, अभी चलिए इंटीरियर दीवार भी हम पहले बना लेते हैं, उसके बाद से सारा डिटेल समझा देते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अंदर की जो दीवारें हैं उसको भी आपको बना लेना है, वो देख सकते हैं। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके से आपको सारा दीवार क्रिएट कर लेना है। तो देख सकते हैं सारा दीवार यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो डोर की जो साइज़ है वो भी क्लियर कर लेते हैं। डोर की इस तरीके से इसमें सेटअप होगा, उसके बाद से हम आपको विंडो लगा के दिखा देंगे, उसके बाद सबसे लास्ट में आपको डायमेंशन डिटेल भी समझा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए यहाँ फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको जो मेन डोर रहेगा वो आपको 4 फीट चौड़ाई का देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये चौड़ाई 4 फीट रहेगी और इसकी हाइट है वो 7 फीट रहेगी। ठीक है, तो यहाँ मेन डोर है, यहाँ से आप एंट्री करेंगे अपने हाल में पहुँच जाएंगे। ठीक है, हाल में जाएंगे तो आपको दो पीछे में आपको दो बेडरूम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बेडरूम की अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बेडरूम का यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया, देख सकते हैं यहाँ पर एक आपको डोर देखने को मिलेगा, ये आपका मास्टर बेडरूम के लिए और ये आपका जो एक सिंगल बेडरूम है यहाँ पर इसके लिए इस साइड में आपको देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर डोर मिलेगा। ठीक है, और ये जो आपका मास्टर बेडरूम है यहाँ से अटैच टॉयलेट है, तो देख सकते हैं यहाँ पर भी एक हम आपको डोर दे देंगे जिससे आपका ये देख सकते हैं अटैच होगा टॉयलेट। ठीक है, तो ये जो दोस्तों चौड़ाई रहेगी वो 2 फीट 6 इंच का रहेगा। ठीक है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से रहेगा और ये जो आपका ओटीएस है वो ये ओपन टू स्काई रहेगा, यानी ओपन में पूरा इधर में कोई भी छत नहीं करना है। ठीक है, और इसका जो ओपनिंग रहेगा आप उधर ओपन एरिया में भी जा सकते हैं, वो यहाँ से कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर एक डोर रहेगा जिससे आप उसमें जा सकते हैं, जैसे कि कभी कचरा उचरा घुस गया तो यहाँ से जाकर सफाई कर सकते हैं या कुछ अपना सामान रख सकते हैं जो ओपन में हम रख सकें। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये पीछे का रेडी हो गया, ये आपका किचन एरिया है, तो किचन के लिए भी हम यहाँ पे डोर बना देते हैं। किचन के डोर का जो साइज़ है वो 3 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का देखने को मिल जाता है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर किचन का स्लैब किस तरीके से रहेगा, तो थोड़ा सा इसको हम साइड कर देंगे और यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको ये देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे किचन का सेटअप देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये आपका गेस्ट रूम है। ठीक है, गेस्ट रूम है, तो यहाँ गेस्ट रूम में दोस्तों दो तरीके का आपको एंट्री देखने को मिलेगा, एक अंदर से एंट्री रहेगा और दूसरा आपको बाहर से एंट्री देखने को मिल जाता है। तो देख सकते हैं ये आपका बाहर से एक एंट्री देखने को यहाँ से मिल जाएगा और दूसरा आपको ये अंदर से यहाँ पर एंट्री देखने को मिलेगा और यहाँ पर एक पूजा रूम मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है। देख सकते हैं ये आपका पूजा रूम हो गया। ठीक है, तो अभी लमसम जो सारा जो आपका डोर है वो रेडी हो चुका है। अभी देख सकते हैं सीढ़ी किस तरीके से इसमें सेटअप किया गया है, तो सीढ़ी की बात कर लें तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको सीढ़ी यहाँ से स्टार्टिंग रहेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप सीढ़ी बना लेना है यहाँ पर, देख सकते हैं। ठीक है, अभी इसको सीढ़ी को हम लास्ट में बनाएंगे, पूरा फुल किस तरीके से बनाना है सारा कुछ। ठीक है, तो अभी फ्रंट में आप देख सकते हैं ये आपको पार्किंग एरिया है, काफ़ी सुंदर सा यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्रिएट कर दिया और इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना टाइल्स लगा सकते हैं, इंटरलॉकिंग करवा सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर एक आपको फ्रंट में आपको हम विंडो का भी सेटअप दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं ये आपका पूजा रूम है, तो आप यहाँ पर एक विंडो का भी सेटअप दे सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं पूजा रूम के लिए यहाँ पर दे दिया और ये आपका जो गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम के लिए भी यहाँ से आपको एक यहाँ से काफ़ी बड़ा सा विंडो दे देना है जिससे जो आपके घर का लुक है वो भी अच्छा रहे और ये थोड़ा सा वेंटिलेशन भी होता रहे अच्छे से। ठीक है, तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पूरा ये आपको फ्रंट में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले डायमेंशन डिटेल की बात कर लेते हैं, किस तरीके से इसका पूरा डायमेंशन डिटेल है। और लेकिन थोड़ा सा इसके पहले यहाँ पर ये बेडरूम है जो आपका मास्टर बेडरूम है, तो मास्टर बेडरूम वाला फैसिलिटी भी रहना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ पे इसको ओपन कर देंगे जिससे ये आपका मास्टर बेडरूम का वेंटिलेशन होता रहे और ये आपका जो टॉयलेट है पीछे में, यानी
अटैच टॉयलेट, तो यहाँ पे एक वेंटिलेशन का सेटअप यहाँ पे दे देंगे, जिससे आपका ये जो आपका टॉयलेट है इसका भी वेंटिलेशन प्रॉपर होता रहे। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पूरा आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है, अभी चलिए डायमेंशन डिटेल की बात कर लेते हैं। फटाफट से डायमेंशन डिटेल हम आपको दिखा देते हैं पूरे हाउस प्लान का। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पूरा सेटअप हो गया है। अभी चलिए डायमेंशन डिटेल पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अभी जूम करेंगे, ठीक है, अभी हम यहाँ पे ले लेते हैं डायमेंशन टूल। ठीक है, तो ये देख सकते हैं 10 फीट बाई आपको 12 फीट देखने को मिल जाता है। ये आपका जो बेडरूम है इसकी साइज, और यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हैं 11 फीट बाई, और ये देख सकते हैं 12 फीट 1 इंच, यानी ये जो साइज़ है वो सेम साइज़ रहेगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये दोनों रूम का जो चौड़ाई है वो सेम है, लंबाई में अंतर है। ये 11 फीट 10 इंच है, ये 10 फीट का है। इसकी जो लंबाई है वो 12 फीट 1 इंच इसका भी है और इसका भी सेम है। ठीक है, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका टॉयलेट है, टॉयलेट 6 फीट बाई 7 फीट 2 इंच का आपको देखने को मिल जाता है। और ये जो आपका OTS है, OTS आपको 6 फीट बाई ये यहाँ से देखिए थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 5 फीट देखने को मिल जाता है। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा इधर आते हैं तो हॉल की अपनी साइज़ की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 15 फीट 10 इंच देखने को मिलता है, और ये यहाँ से लेके तो आप देख सकते हैं 10 फीट 6 इंच के राउंड आपको देखने को मिलता है ये हॉल वाला। ठीक है, अभी किचन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको किचन ये देख सकते हैं 6 फीट बाई आपको 10 फीट के 10 फीट 6 इंच के राउंड आपको ये भी देखने को मिलेगा। देख सकते हैं थोड़ा सा एरिया कम है तो। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर जो हम बात करें तो देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ये आपका गेस्ट रूम है, ये आपको ये देख सकते हैं यहाँ से लेके ये यहाँ तक आपको देख सकते हैं 10 फीट पूरा टोटल मिलता है। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये देख सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आपको ऊपर में 10 फीट देखने को मिल जाता है। तो 10 फीट बाई आपको इधर से बात करें, ठीक है, 10 फीट बाई 10 फीट का ये आपको गेस्ट रूम देखने को मिल जाता है। तो देख सकते हैं 10 फीट, और इधर से भी बात करेंगे तो 10 फीट ही देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और पूजा रूम की अगर हम बात करें देख सकते हैं पूजा रूम आपका 5 फीट बाई यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम बात करें 5 फीट बाई 5 फीट का आपको पूजा रूम मिलता है देखने को। ठीक है, ये सारा आपको ओपन एरिया मिलता है जो आपके सामने का है। अगर इसको भी हम अगर जो देखते हैं तो देख सकते हैं 15 फीट 7 इंच बाई चौड़ाई आपको यहाँ मिलती है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 30 फीट मिलती है। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं 13 फीट 7 इंच का आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, इधर में आप प्लांटेशन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा, और इधर में आप एक अपना कार पार्किंग का भी सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप अपना हाउस प्लान बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये हाउस प्लान अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है,